बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं बिलाल हूँ और ये मैं जुगन काजी। कितनी प्यारी हो तुम जुगन, दाढ़ी में भी देखने दाढ़ी प्यारी लगती है। अगली बार थ्रेडिंग कर के आना। लेकिन खैर ये गुफ्तगू बाद में होगी क्योंकि हमारे इस अमेजिंग फैमिली गाला सीजन टू का हमने प्रॉपर आगाज करना है। लेकिन जब किसी भी चीज का आगाज करते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बेशक जी, रफी ग्रुप की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और अपनी इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज हम अल्लाह ताला की दावत के नाम से करना चाहेंगे। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरम वारी अताउल मनान वारसी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
मोहब्बत हो तो उसे दो चीजें दी जाती हैं, इज्जत और तोहफा तहफ। सो रफी ग्रुप का ये जो आज की तकरीब जो इनकार किए हैं हमने यहाँ पे जो इतना अरेंजमेंट किया है, आप जैसे जानते हैं कि पिछले साल भी रफी ग्रुप ने ये जो ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है गवादर का, उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड फैमिली गाला का एहतमाम किया था, जिसमें बहुत से कीमती इनामात आपने जीते थे। अच्छा, आपने तो उसको होस्ट भी किया। जी जी, तो आप थे। Yes. तो मुझे बताएं कि फैमिली गाला सीजन वन था कैसा, मतलब क्या क्या मिला, क्या क्या हुआ? Actually, first we started with a very very grand show, बहुत grand family gala था जिसमें बहुत सी families को भी मधु किया गया था, और इस मतबा भी to be very honest हमारा plan यही था कि हम उससे भी बड़ा और बेहतर grand family gala जो है वो organize करेंगे, arrange करेंगे, और सारे family members like families बच्चे सब आएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। और partners भी इनके साथ। Exactly, of course, they are very valuable to us. But unfortunately, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त COVID की जो situations हैं, आप जानते हैं कि matches भी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर हमारे इवेंट्स या इस तरह के बहुत से इवेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि हम आपकी सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए, कि भाई उनको यहाँ पे गैदर ना करें, बहुत ज्यादा गहमा गहमी ना हो, यू नो, कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। तो जस्ट SOPs को फॉलो करने की वजह से इस मजबूरी के तहत हमें ये जो हमारा ग्रैंड फैमिली गाला है इसको एज ऑनलाइन अपने ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस है उस पर लाइव आपके सामने पेश करना पड़ रहा है। लेकिन सीजन टू इवेंट टू यानी कि 2.2 जो है वो हम कर
करने जा रहे हैं इंशाल्लाह मार्च में अल्लाह ताला की इजाजत से, और अल्लाह खैर करे तब तक इंशाल्लाह सिचुएशन ज्यादा सेटल भी हो जाएगी. तो पार्ट टू आप लोगों के लिए ही स्पेशली हो रहा है ताकि आप लोग एंजॉय कर सके और आप भी हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके. सो व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख, और अभी बड़ा कुछ है जी आप लोगों के लिए. अगर आपने एतमाद किया है रफी ग्रुप पर, तो रफी ग्रुप का भी ये बिलीव है और ये कोशिश और ख्वाहिश है कि हमारा ये जो रिश्ता है आपका और हमारा कायम और दायम रहे. और आज भी बहुत से इनाम आते हैं भाई जी, अभी यहाँ पे कुछ स्टेज पे भी हैं. वी हैव मोटरबाइक्स, वी हैव एलसीडीज, वी हैव फूड फैक्ट्रीज, टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, बहुत से कैश के इनाम हैं. एंड देन आवर ग्रैंड प्राइज, गड्डी तू दिला दे, पेट्रोल भी तू ही पुआई भाई, क्योंकि आजकल पेट्रोल महंगा हो गया. लेकिन माशाल्लाह जैसे आप से देख सकते हैं ये जो मेला सजा है ये आप लोगों के लिए है, और आप में से ही बहुत से खुश नसीब जो हैं आज इन्हें जीतेंगे. कुरंदाजी का ये जो डब्बा भी आप देख रहे हैं इसमें आप सब हमारे जितने भी ग्रीन टाउन्स हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हमारा है उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, सबके नाम जो हैं, लेट मी टेल यू, यहाँ नाम लाने के लिए आपको जिस तरह हम आपके साथ बड़े क्लियर और फेयर डील कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पेमेंट्स ऑन टाइम की हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, उनके नाम यहाँ मौजूद हैं. और अब बरकत के लिए जुगन ने जो है चाबी भी अपने हाथ में ले ली है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. नहीं मतलब मैंने चाबी हाथ में पकड़ लिया तो अल्लाह खैर करेगा, क्या मतलब पूरे पाकिस्तान की चाबी आपके हाथ में, हम तो सोच रहे हैं देने का. एनीवे ये याद रखना बात, जब वोट मांगूंगी तो. एनीवे वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एट द ग्रैंड फैमिली गाला बाय रफी ग्रुप्स ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव पेजेस पे आपसे हम मुखातिब हैं. और जनाब अब सिलसिला हुन की करना है, फैमिली गाला की एक हमारे पास वीडियो है. Exactly. कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, उनको दिखाएं कितनी अच्छी हैं आप. मैं बस आप सब लोगों का खवातीन और हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप ग्रीन पाम्स गाला की रंगारंग तकरीब में तशरीफ आए. ग्रीन पाम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी देयर. भाई बहुत सारे प्राइजेस हैं, कॉन्सर्ट है, बम्बास्टिक परफॉर्मेंस है फरहान सईद की. इसके साथ साथ हमारा आज का जो नेम लकी प्राइज है वो फॉल्टो है. Very excited about it, and inshallah ta'ala we'll be participating in the other draws. Shukriya ada karunga chairman Rafi Group Ibtiaz Rafi Bhatt sahab ka ki unhone hum clients ko is tarah deal kiya ki jis tarah hum shayad ko family member. Rafi Group ne abhi tak apne saath team se jo bhi vaada kiya use hamesha timely pura kiya. I'm very proud to announce today Rafi Group is truly at home when it is innovating. We are very proud on our deliveries and on our commitment. Such a trustworthy name, I think, when it comes to land purchasing, I think it's Rafi Group. We are again the industry first, जो कि इस किस्म का एक इंश्योरेंस का मुआहदा फॉर इट्स क्लाइंट आई जी आई के तवसुत से करने जा रहे हैं. आज एक मोमेंटस डे था जी. हाँ ये तो सीजन वन था, ये सीजन टू का पार्ट वन है क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. लेकिन इंशाल्लाह मार्च में मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या प्लान है, लेकिन मना किया इन्होंने कि नहीं बताना. बस हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रेनाउंड सुपरस्टार्स इसका हिस्सा होंगे. हल्ला गुल्ला होगा, एंटरटेनमेंट होगी, खाना पीना एंड ऑफ कोर्स. एक्चुअली इस बार तो अभी सुपरस्टार्स जो हैं वो लाइनअप थे, लेकिन फिर अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से काम चलाएं. हम दोनों टिकी पैक स्टार्स आ गए. एक्जेक्टली एक्जेक्टली, बट द रियल स्टार इज आवर क्लाइंट्स, आवर कस्टमर्स, आवर पीपल. अच्छा आपने देखा कि उनका उस वक्त प्लान था कि आईजीआई के साथ ये लोग अपनी करेंगे कोलैबोरेशन, और अब वो कोलैबोरेशन कहां तक पहुंची है. वेल लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट दिस कि रफ़ी ग्रुप्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान में द मोस्ट ट्रस्टेड रियल स्टेट ब्रांड, और इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशियल लिया जो किसी और रियल स्टेट ब्रांड ने अभी तक नहीं पाकिस्तान में किया, और वो है जी
लाइफ इंश्योरेंस. अब जब अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपने जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स बने हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको रफी ग्रुप की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस भी दी जा रही है, विच इज पेड बिल्ट इन है प्रोजेक्ट में, बिल्ट इन है बाय IGI मल्टीनेशनल ब्रांड. और इसमें ये है कि आपके पैसे सिक्योर हैं और भी बहुत सी मेजरमेंट्स इंश्योरेंस के जरिए जो है वो सिक्योर हैं. रफी ग्रुप इज पेइंग फॉर दैट, यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट सेपरेटली. एंड पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है, सो आई थिंक भाई बाहर भी नहीं होता, बाहर भी अगर mostly, आपने लेना हाँ. होता ना, जिस तरह कनाडा में जो है मुझे याद है कि जब आप जाते हैं मॉर्गेज लेने के लिए तो वो करते ये हैं कि आपको मॉर्गेज तो दे देते हैं लेकिन आपसे फिर इंश्योरेंस खरीदवाते हैं exactly. और उसकी पेमेंट आपको अलहदा से करनी पड़ती है, ये बिल्ट इन है exactly. तो रफी ग्रुप ने ये जो कारनामा किया है यकीनन बहुत सी तारीफ के हकदार हैं और इनके लिए बहुत सी तालियां, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है. सो जी आपके प्रोजेक्ट्स में बिल्ट इन होगी IGI मल्टीनेशनल ब्रांड की तरफ से. और अब हम चाहेंगे कि लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स मूव ऑन. सो लेट्स वेलकम GM कस्टमर केयर मिस्टर फरहान मशहूद साहब, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर. और हमारा जो ट्रेडिशनल फूल है गेंदे का मेरी गोल्ड, वो इनके कॉलर पे मिस ना कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जुगन, थैंक यू वेरी मच बिलाल, आप लोगों के काइंड इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई मस्ट थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग माय लाइफ इजियर. हमारा शो है जी माशाल्लाह आपकी वजह से चमक रहा है, दमक रहा है. आप हमारे इस लाइव शो को दो नहीं बहुत से चांद लगा रहे हैं. बिलाल प्लीज, आई थिंक दिस माइक इज़ गुड नाउ, ये आप ये लीजिए. राइट जी, वीडियो रिकैप जो हमने देखा बड़े मेरे इन प्यारे होस्ट दोस्तों ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया व्हाट वी हैव डन. इट वाज अ वेरी फेस्टिव ईयर लास्ट ईयर दैट वी हैड द ग्रीन पाम्स गाला सीजन वन. आप लोगों की वजह से मैं अपने सभी कस्टमर से मुखातिब हूँ. एक्चुअली उन जो अब हाजरीन हैं हम उनको हाजरीन करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली रेजिंग कोविड केसेस की वजह से और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम आप लोगों को मधु नहीं कर सके उसके लिए. बट वी गॉट अ प्लान फॉर दैट, हमने पूरी प्लानिंग की हुई थी जी, हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट से लेके फूड हर किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ था. एंड टू बी ऑनेस्ट बिलाल, वी एक्चुअली हैड प्रिंटेड द कार्ड्स, यस, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट चेंज. बट स्टेइंग ट्रू टू आवर कमिटमेंट्स जो हम हमेशा से करते आए हैं over a period of 43 years, commitment to delivery, commitment to customer services, commitment to excellence. Hum shayad aapke liye wo stage abhi set nahi kar paye jahan pe hum aapko entertain live bula ke kar sakte, but inshallah in the coming days as my host has have said, hum inshallah march mein bhi planning something big. Allah se dua hai ji ke ye jo badhte hue cases hain ye control mein ho, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हमने ये फैसला किया कि हम ऑडियंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. हम इस रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते. तो सबसे पहली बात ये आपके हमारे सिक्योरिटी के लिए हमने ये कदम उठाया. बट अगेन सेइंग टू द कमिटमेंट्स, हमारा आपसे जो वादा था आपको इनामात देने का, हम अपने उस वादे पर एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह इंशाल्लाह पूरा उतर रहे हैं. और अभी हम आपको बहुत से इनामात आपके लिए अनाउंस किए जाएंगे. मेरी तरफ से पेशगी मुबारक जी उन लोगों को जो जीतने वाले हैं उससे पहले जो पिछले साल जीते. बट आई वुड अगेन से कि आप सब विनर्स हैं, चाहे आपका इनाम निकले या ना निकले. आप विनर्स इसलिए हैं कि आपने रियल इस्टेट के एक वन ऑफ द मोस्ट मोतबर ग्रुप्स के साथ एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर बनने वाला है. इस बारे में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं और हमें इस बारे में कोई भी शक नहीं है कि कल को गवादर हर किस्म का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब होने वाला है, जहां पे ट्रेड, टूरिज्म, आपका हर किस्म का जो भी आपका मुआशी सेक्टर है वो चलने वाला है और जिस वजह से पाकिस्तान को तरक्की मिलने वाली है. And we are lucky enough to be a part of our project, Green Palms Housing Project. आप lucky हैं कि आपने सही वक्त पे, सही जगह पे invest किया हुआ है. And we are lucky to have you with us. Now, without further ado, मेरे और भी colleagues आएंगे जी और इंशाल्लाह वो project के बारे में आपसे details मज़ीद share करेंगे.
मैं बिलाल को और जुगन को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑफिशियली हमारे लकी ड्रॉ का आगाज़ करें और जिस चीज़ के लिए आप सब वेट कर रहे हैं हम आपको इनामात देने का सिलसिला जो है वो शुरू करें। थैंक यू सो मच। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी जो हम अंदर अभी डिस्कस भी कर रहे थे कुछ देर पहले, एक तो सच अ ट्रस्टेड ग्रुप द रफ़ी ग्रुप के इनके अपने जो लोग इनके साथ काम करें उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, आप लोगों ने खुद भी इन्वेस्टमेंट किया है। Obviously, it begins from the home. Exactly. और दूसरी बात मतलब उन्होंने भी वहाँ पे अपने लिए ली है प्रॉपर्टी, और उसके साथ जो एक और अमेजिंग चीज है, आज हम ये बात कह रहे हैं 10 साल बाद आप कहेंगे हाँ यार इन लोगों ने ठीक कहा था। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लाहौर और कराची को हब सोचते हैं, कराची को मेनली एंड देन लाहौर को ऑल्सो एंड इस्लामाबाद, इन तीन शहरों की हमेशा बात होती है। अनकरीब गवादर गवादर होगा, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल जी, एंड वी डोंट वांट यू टू बी लेफ्ट आउट, सो देयर इज स्टिल होप, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी ले सकते हैं ना लोग। डेफिनेटली हमने बहुत लुक्रेटिव रेट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स जी लॉन्च करने हम जा रहे हैं, और पेमेंट प्लान्स हैं प्रॉपर, वेरी लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स। और मैं आपको ये बताऊं कि जी उस अमाउंट के ऊपर आप लाहौर कराची और जितने बिग सिटीज का आपने जिक्र किया है वहाँ पे हम प्लॉट तो क्या हम ईंट लगाने का भी नहीं सोच सकते। हाँ, वहाँ पे एक एक, एक दरख्त आप लगा दीजिएगा अपनी जमीन पे। हाँ जी, वी कैन मेक द वर्ल्ड ग्रीन, और हम और ये भी प्लान्स है, और ये भी प्लान है, इसीलिए तो हमने ग्रीन मतलब इट्स ग्रीन पाम्स है बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, एक तो नियर द वाटर, यस, प्लस देयर इज गोइंग टू बी 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द बीच जी। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट, 15-20। अच्छा जी, मैं गवादर जा रहा हूँ यार, मुझे तो यू गाइस मेड मी सो, बिलाल सुन ना, ऊपर से 15 मिनट, आप देखो कराची लाहौर दोनों में रहते हो, एयरपोर्ट से 15 मिनट, द बिगेस्ट एयरपोर्ट एशिया का, सेकंड इन एशिया, पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, वाओ, जिसने 2023 में इंशाल्लाह इनॉग्रेट होना है, वो बनना शुरू हो गया हुआ है। मेरा ख्याल है वही वो मोमेंट है जिसके बाद गवादर की तरक्की को और उससे मुंसलिक प्रोजेक्ट्स को So invest now. This is the time to invest. We congratulate Rafi Groups जिन्होंने Green Palms Housing Project जो गवादर का सबसे बड़ा residential project इस पर बहुत तेजी से और तरक्की से जो है अपने सफर पे गामजन है, और इंशाल्लाह जितने भी investors हैं they all will be feeling blessed after some time and even right now. तो अब हम किनको बुलाने जा रहे हैं सबसे पहले? सबसे पहले जी हम कमेंट्स करना चाहते हैं अपने लकी ड्रॉ को। आई वुड लाइक टू कॉल मैनेजर कस्टमर केयर मिस्टर वकास टू कम ऑन द स्टेज, और जो पहला हमारा लकी ड्रॉ का सिलसिला है जो इनामात हैं वो है जी फूड फैक्ट्री। अच्छा, तो जी फूड फैक्ट्री के जो हमारे ये जो इनामात हैं, ये जो तहाइफ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जी अब वकास साहब आएंगे और पहला लकी ड्रॉ जो है वो निकालेंगे, चाबी जो है वो जुगन संभालेंगे। वकास साहब वेलकम ऑन द स्टेज। सर जी घुमाए ना, घुमाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, जिस जिसने पार्टिसिपेट किया है जनाब वॉच से देखें सुने और जाने के आपका नाम आ रहा है या नहीं। और जैसे फरहान भाई ने पहले कहा कि विनर सभी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेट्स सी किसकी लक क्लिक करती है। कितने नाम ड्रॉ करने हैं? फाइव नेम्स। अच्छा जी, फाइव नेम्स, first five names for the food factory items. The first name we have is Mr. Bashir, Bashir Juma, sorry, Mr. Bashir Juma, token number 2011363. क्या बात है जी, जुमा साहब संडे के दिन भी आपका इनाम निकल आया, ताड़ी क्या ही बात है जी। बशीर जुमा साहब reference number 10B23 आपके लिए food factory का हमारा जो है वो gift hamper। दूसरा नाम मजर खान, नजर खान या मजर खान है? अच्छा, ना मजर ना अजर, मेरी बहन ये है नजर, ये नजर ही है नजर, ओके, नजर खान, नजर खान है एंड द सीरियल नंबर इज 2010079। बड़ी मुबारक, 2010079। सेकेंड फूड, हाँ जी, एक और नाम, तीसरा नाम वकास साहब, ओके, द थर्ड नेम इज, कायदा घुमा घुमा के निकाल रहे अंदर से, नासिर अजीज खान एंड द टोकन नंबर इज 2010217। कांग्रेचुलेशंस नबलर जी, नेक्स्ट 2010217, ठीक है। और चौथा नाम, चौथा नाम के लिए शाहिद हनीफ साहब एंड टोकन नंबर इज 2010445।
अगेन शाहिद हनीफ। क्या बात है जी, शाहिद हनीफ का जबरदस्त फिफ्थ पर्सन। आप ही ना अंदर से बकायदा घूम के निकाल रहे हैं ना ट्रांसपेरेंसी। ले जी आमना खान, पहली फीमेल विनर आमना खान। आमना खान टोकन नंबर 2010567। क्या जबरदस्त है, शी मस्ट बी वेरी हैप्पी क्योंकि ये जो फूड अप्लायंस है उनको मिलेंगे। थैंक यू वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, और ये वकास साहब को दे दें, ये वकास साहब ये आपके जिम्मे हो गए। एंड एक और बात रफी ग्रुप की, वी एज अ ग्रुप बिलीव इन फीमेल एम्पावरमेंट और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि खवातीन और मर्दों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म और हर फोरम पे। और जो आप लोग बच्चियों के लिए जेवर और इस किस्म की चीज़ें बना रहे होते हैं, एज अ वुमन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। Yes. बेटियों को ऐसा एसेट दे जो सारी जिंदगी वो अवेल कर सकती हैं। जेवर शेवर ये चीजें कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली जब आप किसी बच्ची को जमीन दे देते हैं या उसका घर उसको बना के दे देते हैं तो आप उसको एक तरह से सारी जिंदगी के लिए ये तो सिक्योर कर देते हैं ना कि उसके सर पे छत रहेगी। सो वो पेरेंट्स जो इस वक्त सोच रहे हैं कि बेटियों के लिए कुछ करना है, तालीम और प्रॉपर्टी, क्या बात, ये दो चीजें आप दे दें तो जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ। अच्छा जी, जैसे कि खवातीन के लिए हम इतनी बात कर रहे हैं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछें तो मर्द कुछ भी कर लें खवातीन का मुकाबला नहीं कर सकते, दे आर ऑलवेज सुपीरियर। एंड नाउ याद रखना ये भी, मैं चीजें नोट करती हूं। आई ट्रूली बिलीव इन दैट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड लेट मी शो यू द डेवलपमेंट वीडियो जो हमने बनाई है अपने हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को दिखाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेवलपमेंट वीडियो। गवादर चले। Well, माशाल्लाह जी, it looks very promising. और once again, I congratulate everyone who invested. और जैसे जुगन ने भी कहा कि it's a great future ahead. आप इसमें invest करें और आपने अब देख लिया। 04211111493 पे आप कॉल कर सकते हैं व्यूअर्स, UN नंबर है। उसके अलावा www.rafigroup.com पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। The whole point is, viewers, हम लोग डर जाते हैं जब सोचते हैं ना जमीन लेनी है या घर लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है, तो पंजाबी में नहीं कहते त्राह निकल जाता है, आय हाय पैसे कहाँ से आएंगे। उठा के फोन तो करें, क्या पता कि आपके बजट आपकी उसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। एक जमाने में लाहौर के कुछ ऐसे इलाके थे जो लोग कहते थे कि यार वहां पे कौन जाके रहेगा। जिन लोगों ने उन अच्छे वक्तों में अकलमंदी करके ले लिया, आज वो दो दो करोल के बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और आप कहते हो कि यार ये क्या हुआ है। सो द पॉइंट इज सेंसिबल, राइट टाइम पे इन्वेस्ट करें। 2023 में एयरपोर्ट बन जाएगा और मजीद और चीजें खुल जाएंगी, उस वक्त आप रिग्रेट करेंगे कि यार मैंने कितनी दफा जिंदगी में बात की है बिलाल, यार ये इस वक्त कर देती तो। इंतजार करना छोड़ दें, फोन करने में आपका कुछ नहीं खर्च होता, फोन की टेंशन हो रही है तो ऑनलाइन जाके चेकआउट कर लें। क्या बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। और आई विश यू ऑल द बेस्ट जितने भी हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं, और आपने देख ली डेवलपमेंट भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। लेट्स मूव ऑन एंड हम इस वक्त स्टेज पर दावत देना चाहेंगे जीएम सेल्स रेहान राशिद साहब को। प्लीज तशरीफ लाएं एंड लेट अस नो मोर अबाउट ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय रफी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं अभी सुन रहा था कि जुगन ने वो सारी बातें बोल दी हैं जो शायद मेरे कहने वाली थी। और रफ़ी ग्रुप के ऊपर जिस तरह रफ़ी ग्रुप का नाम है, हमेशा से मजबूत नाम जिसको दुनिया जानती है,
कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें जो एक दो मैं कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर ना करूँ आज, वो एक तो रफ़ी ग्रुप की डेवलपमेंट तो आपने देखी, जिस किस्म की डेवलपमेंट है, इट इज़ अबाउट दैट कमिटमेंट विच रफ़ी ग्रुप हैज़ टेकन फॉर इट्स क्लाइंट्स, कि हम किसी भी पॉइंट इन टाइम के ऊपर ये नहीं देखते कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो कितना पीछे हैं, हमें उनके साथ लेगेसी में उसी स्पीड पे रहना चाहिए। वी आर फार फार अहेड फ्रॉम एनी ऑफ द कंपटीशन हु इज़ वर्किंग विद इन द सिटीज़ जो अर्बनाइजेशन के अंदर आ चुकी हुई हैं, और जो एक इंटरनेशनल सिटी डेवलप हो रही है गवादर के अंदर, वहाँ पे भी हमारी जितनी डेवलपमेंट है दैट इज़ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ आर क्लाइंट ऑल्सो। जिन जिन लोगों ने विटनेस किया हुआ है, जो गवादर जा चुके हुए हैं, जो जाना चाहते हैं, आप हमारे जितने एडवर्टिजमेंट्स देखेंगे, हमारी जितनी मार्केटिंग देखेंगे, आपको हर जगह पे रियलिटी नज़र आएगी। वी वर्क एंड वी बिलीव इन रियलिटी, वी बिलीव इन एक्चुअलाइजेशन। वी डू नॉट फील लाइक के हम क्लाइंट को कॉस्मेटिक चीज़ों के ऊपर इंगेज की जाए। हमारे जितने एडवर्टिजमेंट्स होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन आर एक्चुअल अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। सो हमने अभी जो रिसेंटली एक वेंचर शुरू किया था फॉर आर क्लाइंट्स, दैट वाज 3% रेफरल रिवॉर्ड। दैट रेफरल रिवॉर्ड इज़ फॉर एवरी पर्सन हुसोएवर इज़ बीन अ क्लाइंट ऑफ रफ़ी ग्रुप। और हमारी लेगेसी के अंदर तकरीबन कोई 125,000 क्लाइंट्स हैं जो कि सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, उनके लिए भी हमने एक अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि वो लोग अपने किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर इन्वॉल्व करते हैं, रफ़ी ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव इज़ एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, अफोर्डेबल आई वुड से। पीपल से हमारी प्रोडक्ट जो है वो सस्ती है, एक्चुअली में सस्ती नहीं है, दैट बहुत मजबूत प्रोडक्ट रफ़ी ग्रुप की, जो कि IGI इंश्योरेंस के साथ है, लाइफ इंश्योरेंस टू एवरी पर्टिकुलर सिटीजन। Whosoever gets engaged with Rafi Group's product, वो product खरीदते हैं, down payment के फ़ौरन बाद you get eligible के for a plan of 4 years, 5 years, जो भी हम लोग offerings दे रहे हैं हमारे अपने sales offices के अंदर, वहाँ पर आपको life insurance मिलती है। Life has been so unpredictable and I believe while we are going through tough times of COVID, this pandemic के अंदर this is very important. This is important to understand कि कोई ऐसी organization, कोई ऐसा developer नहीं है जिसने actually में अपने client के बारे में सोचा हो, and every insurance we are offering to our clients that is premium free. कोई premium किसी ने pay नहीं करना, आपकी product के अंदर embed हुई भी है, that is FOC, and you will be just paying your regular installments, और installments के अंदर आपकी जो life है that is insured. आपके लवाहिकीन के लिए, आप जिस भी आप प्रॉपर्टी खरीदते किस लिए, आप प्रॉपर्टी खरीदते इसलिए कि आपकी आने वाली नस्लें, आपके जो घर में रहने वाले लोग हैं वो सिक्योर हो सकें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो राइप हो सके। सो दिस IGI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसके साथ, इस फैक्टर के साथ जुड़ी हुई है रफ़ी ग्रुप की स्ट्रेंथ, रफ़ी ग्रुप की स्टेबिलिटी, एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कॉन्फिडेंस ऑन आर प्रोडक्ट, के हमारी हर चीज़ की कंप्लाइंस ही है, हमारा हर किस्म का डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हमारी सारी डेवलपमेंट कंप्लीट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस तभी आपको इतनी ब्लैक एंड वाइट हो के आप अपने क्लाइंट को इतना आगे जाके उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, उनको गले लिए एक वसी रेंज है। आई नो, बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाह रही हूँ ना। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर एज अ कस्टमर अगर मैं देख रही होती अभी या पोटेंशियल कंज्यूमर, तो मैं यही सोच रही होंगी कि यार अगर मैं लेना चाह रही हूँ, या हम 4-5 सहेलियाँ जो हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए, कोई फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो किस साइज से किस साइज तक, मैं पैसों की नहीं बात करी, मैं साइजेस की बात कर रही हूँ, क्या क्या आप इन्वेस्ट कर सकते? आप जरूर पैसों की भी बात कीजिए, हर किस्म का इन्वेस्टर चाहे आप, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 लाख रुपए से शुरू होती है, एंड इट गोज अप टू द वेरी एक्सटेंड के जो 7 लाख की गाड़ी नहीं मिलती, 7 लाख की गाड़ी नहीं मिलती, मैं यही तो बात जुगन आपको 7 लाख की साड़ी भी नहीं मिलती, 7 लाख की जुबैर नहीं मिलती आजकल। सो द पॉइंट इज 7 लाख से
तो लोन ले दूंगी, तू मुझे ये ले दे। मैं आपके फॉर्म्स तो अभी मंगवा रहा हूँ, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम नॉट जोकिंग। सी हाउ क्विक एंड स्मार्ट सर्विस दे प्रोवाइड। असी सोचिया भी नहीं पूरी तरह, तो उन्होंने फॉर्म भी अरेंज कर लेते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी भी इदारे की जो कामयाबी है वो सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत और मोहब्बत का ये जो कॉम्बिनेशन है, यही किसी भी इदारे को या किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बनाता है। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड। और रफी ग्रुप की एक और मजे की बात, they don't have competition with any other brand. They are the best real estate brand, और इनका competition अपने आप से है। Self competition is the best competition. हम अपने आप को improve करें, अपने से बेहतर deliver करें। You see, they don't. इनकी एक जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि जब तक इनके under approved जमीन नहीं exactly. होती, ये नहीं काम शुरू करते। True. और आप सब जानते हैं बहुत से ऐसे रियल एस्टेट के ग्रुप्स हैं, मैं किसी की बुराई नाम लेके कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं व्यूअर्स के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और बाद में इनकम 25,000-30,000 रुपए भी है पर मंथ, तो वो इस किस्म का इन्वेस्टमेंट कर। सो यहाँ पर अमाउंट तोड़कर पेश करने, दिल तोड़कर नहीं। So, ये बड़ी अच्छी बात है। आपका मोबाइल का बिल जितना बनता होगा ना, उसके अप्रोक्सीमेट में हमारी जो है आपसे मोबाइल से याद आया, आपसे मोबाइल ही दिलवाने यार, कुछ मोबाइल्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। पहले उनको बात तो खत्म करने दो ना, मैंने अपनी बीच में तुम्हें पता ना, हमेशा अपनी मैंने एक वो जुगन, बाकी डील ऐसी ऑफिस कर लांगे, कोई बात रह गई है करने को। कहने को तो जी 1,000 बातें हैं, मैं 2-3 घंटे बोलता रहूंगा, लेकिन फिर मल्टीपल इवेंट्स आ रहे हैं इंशाल्लाह, उसके अंदर आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिलती रहेंगी। एंड आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक आया कि रेहान ने जो है कुछ मोबाइल्स जो हैं उनके लकी विनर्स जो हैं उनका नाम निकालना है, तो रेहान राशिद साहब प्लीज आप यहाँ जरा तशरीफ ले आए, और 5 नाम निकलेंगे जी मोबाइल फोन्स के लिए, और नंबर नहीं देंगे हम साथ अपना अपना, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन्स मिलेंगे आपको। सो सारे लोग जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बिलाल का नंबर चाहिए तो मैं दे देती हूँ जी, मेरा नंबर है 786-0300-420-9211 जी। मेरा नंबर तो देना सबको आप। आपका नंबर बार-बार बोल रहे हैं। आपकी शादी नहीं हुई? आंखें बंद करके ना जी, मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह से। तुम उन बच्चियां का नंबर दियो, ताड़ा केड़ा टाइम है? वो कह रहे मेरा नंबर रफी ग्रुप का। अच्छा 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 अच्छा, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल पर्सनल, सारे एक साथ नहीं निकालो ना, एक एक करके, एक एक नाम। पहला नाम जी मोबाइल फोन के लिए, पहला नाम नुमान अताउल्ला 2010018। बहुत बहुत मुबारक हो नुमान अताउल्ला। कमीज तेरी काली। नुमान अताउल्ला साहब आपका पहला एक मोबाइल निकल आया, बहुत बहुत मुबारक हो। जोर का गाना आया हुआ है इस वक्त, खुदा का वास्ता है, अपना अपना वो सीजन टू में हम करेंगे, इसको गवा दीजिए। दूसरा नाम सर जी आप बोलिए। अच्छा जी अब्दुल रऊफ साहब, और सीरियल नंबर है जी 2010488। अब्दुल रऊफ साहब मोबाइल मुबारक। तीसरा नाम आमिर एजाज साहब है जी, इनका सीरियल नंबर है 2010329। आमिर एजाज साहब मुबारक हो आपको मोबाइल फोन। चौथा नाम आ रहा है, चौथा नाम है अमार बशीर खान, अमार बशीर खान 2011008। एंड द फाइनल नेम फॉर द मोबाइल फोन इन टुडेज ग्रैंड फैमिली गाला इज राजा असद हफीज साहब। राजा असद हफीज साहब सीरियल नंबर 2011501। आपको मोबाइल फोन बहुत बहुत मुबारक हो। रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है जी, मोबाइल भी आ गए। अभी अभी बहुत से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी बड़े इनाम हैं, बड़े तोहफे तहायत हैं, सिलसिला जारी और सारी है जी। जुगन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ट्रेलर चलता है और बाद में वो एक्टर नहीं होते, तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो कह रहे हैं उससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं। एग्जैक्ट ओके। अब नेक्स्ट अप जो है टैबलेट्स जो है वो मिस्टर अलाउद्दीन काजमी साहब, एडवाइजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास, एडवाइजर टू मैनेजमेंट जनाब मिस्टर अलाउद्दीन काजमी साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द स्टेज, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? तो जनाब आप 5 टैब्स जो हैं उनके नाम निकलने हैं, और लेट्स सी टैब्स में, मेरी अम्मी भी आजकल टैब्स पे हर वक्त वो देखती रहती हैं ड्रामे वगैरह, तो टैब्स पे आई विश एंड आई होप कि हमारी बहुत प्यारी बहनों के आंटीज के निकले ताकि वो भी ड्रामे देख सकें और मेरे ड्रामे। सबसे मुश्किल काम लगा दिया बिलाल, कुछ भी तुम जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं बरकत के लिए कहता हूँ कि हरकत करें आप, चलें जी।
पहला नाम कैब के लिए नौरीन जफर। नौरीन जफर, आई वॉन्टेड कि किसी हमारी बहुत प्यारी बहन का नाम निकले। 201007। क्या बात है जी नौरीन, बहुत बहुत मुबारक हो ये कैब आपके लिए। दूसरा नाम है जी सैयद असद अली। सैयद असद अली, सीरियल नंबर 2011003, आपको भी कैब मुबारक हो। की तीसरा नाम जी सर, यू आर वेरी फेयर सर, एक बारी मेरी एक बारी उसकी, लेकिन तीन मैं बोलूंगी दो वो बोलेगा, डन हो गया। उसको नहीं आपने ज्यादा बोलते थे, वो गा गा के अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं। मोहम्मद कासिम 2011209, मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, बहुत मुबारक हो आपको कैब। एंड द फोर्थ नेम इज शेख अरशद अदनान। शेख अरशद अदनान, सीरियल नंबर 2011007, जेम्स बॉन्ड का भी नंबर 007, आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको कैब। एंड द फाइनल नेम फॉर द कैब, बेस्ट फ्रेंड, ओ चेयरमैन साहब वाला नाम, इम्तियाज। क्या बात, इम्तियाज हुसैन जो है वो हमारे फिफ्थ विनर है 2011010 फॉर द टैब। बहुत बहुत मुबारक इम्तियाज साहब आपको सर, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, सो अभी भी बहुत से इनाम बाकी हैं, बहुत कुछ ऑन योर वे, सो लेट्स सी। और हमारे बहुत ही प्यारे बॉस काजमी साहब जो हैं वो एडवाइज़र हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रफी ग्रुप के, वो तशरीफ लाए, उन्होंने वक्त निकाला, वे सो 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 ग्रेटफुल सर। आई नो यू आर अ बिजी मैन बट थैंक यू सर। एंड नाउ वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज जीएम डेवलपमेंट टीम मेजर जाहिद साहब। मेजर जाहिद साहब प्लीज तशरीफ लाए, वी वेलकम यू ऑन द स्टेज। टीवियों की बारी आ गई सर जी, उधर तो आपने मुझे बड़े लेक्चर दिए थे, अब आप बात ही नहीं कर रहे हमारे साथ। अच्छा एक दफा एलईडीज जनाब, पांच अगर नाम निकलेंगे एलईडीज के लिए, मेजर साहब अभी नाम निकालेंगे और देखते हैं कि वो एलईडीज किन खुश नसीबों को मिल रही है आज। चैलेंज सर, फाइव नेम्स वन बाय वन अनाउंस आप ही करेंगे। इट इज चौधरी वसीम अफजल। चौधरी वसीम अफजल साहब, आपका सीरियल नंबर है 2010831, 2010831, चौधरी वसीम अफजल साहब एलईडी आपको मुबारक। एंड द नेक्स्ट विनर इज मुबीन शहजाद, सीरियल नंबर 2010897। मुबीन शहजाद आपको भी एलईडी बहुत बहुत मुबारक हो की तरफ से। एलईडी नंबर थ्री। अच्छा जी, अच्छा मैंने कहा कार्ड तो मुझे ऐसे दिया मेरी ही निकल आई है, लेकिन नहीं जी, इट्स नॉट माय डे टुडे। असदुल्ला खान साहब, सीरियल नंबर 2011579, असदुल्ला खान साहब आपको भी एलईडी बहुत मुबारक हो रफी ग्रुप की तरफ से। एंड द फोर्थ नेम बुशरा अंसर, बुशरा अंसर 2010954। बुशरा अंसर आपको एलईडी मुबारक, इसमें आप बुशरा अंसारी का सीरियल देख सकते हैं। The fifth LCD, Dilshad Arshad, serial number 2010525. Dilshad Arshad, आपको दिल की गहराइयों से मुबारक देते हैं, ये LED आपको कबूल हो। और थैंक यू सर, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। अभी सर स्टेज पे शर्मा रहे थे, लेकिन मेजर साहब बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी इंट्रीगिंग गुफ्तगू करते हैं। We were very lucky to have a conversation with him earlier. It's been an honor to be in Major Saab's presence. Okay, next up, cash prizes, 15. आपको नहीं मिल रहा, इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है, आपको तो नहीं देना। 50,000 रुपीस 15 लोगों को मिलेंगे, यानी 7.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे जुगन कासिम को। नो 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 नो, आखिरी बात है वो सच नहीं है, बाकी सब अच्छा, मोबाइल ही दे दो भाई हमें एक एक। और जी कैश प्राइस जो है अनाउंस करने के लिए एक बार फिर दावा देना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्यारे फरहान मशहूद साहब को, जीएम कस्टमर केयर। फरहान भाई प्लीज तशरीफ लाएं स्टेज पर। और अब जनाब जो नाम निकलेंगे ये कैश प्राइस के लिए है माय मेरी गोल्ड फ्रेंड, और आई मेड श्योर कि जुगन का नाम नहीं है इसमें। It's all your names. You are the winners. You deserve. I'll have this mic. पहले since Jugan, these are 15 prizes, तो मैं पहले आपसे request करूंगा कि पहले पांच इनामात आप निकालिए। Ladies first. और we'll announce, please. अगर आपने इसको निकालने दिए ना,
अगर आपने इसको निकालने दी तो मैं ये सारे नाम हाथ उठा दूँ। ऐसे ना नहीं निकालते, ऐसे कैश ही निकाल लेने हैं। बिलाल has spoken such nice words about myself. तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे बायस नहीं हो सकता। I call you my marigold friend. इससे ज्यादा प्यारी बात मैं क्या कर सकती थी। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे सभी दोस्त हैं और दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमारे कस्टमर्स को हमारे ऊपर है कि देयर इज नो बेस्ट फ्रेंड बट येट देयर ऑल बेस्ट फ्रेंड। ओह यस फ्रेंड है ही वो जो बेस्ट हो। तो जनाब पहला नाम जुगन काजिम, द लकी लेडी ऑफ द इवनिंग फॉर समवन, नॉट फॉर मी बट फॉर समवन एट लीस्ट। मैं यही सोच रही थी मेरे मियां को ये पैगाम भेजते हैं। पहला नाम अनवार हुसैन, अनवार हुसैन 201047। ओके मासूमा मोहसिन, कितनी अमेजिंग बात है कि खवातीन भी इन्वेस्ट कर रही हैं या उनके नाम पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं जी कि हमारे ग्रुप की एक और खासा ये भी है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स housewives, working women, they're more actually. जबरदस्त। तो ये एक और उनके ट्रस्ट हमारे ऊपर ट्रस्ट का एक एविडेंस आपके सामने है जी। और वही बात जो मैं कह रही थी फीमेल एम्पावरमेंट को आप लोग बहुत प्रमोट करते हैं। मासूमा मुबारक, मासूमा मोहसिन 201064। एंड नेक्स्ट अप ये हम 50,000 रुपीज के कैश प्राइस की बात करें। चलो जो इन्वेस्ट किया उसमें से एक हिस्सा आपको वापस मिल गया। मोहम्मद असलम 201-0463, मोहम्मद असलम कंग्रेचुलेशंस। मेरी बारी में तो खुश होते ना। अच्छा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल 201-0468, मोहम्मद अफजल। एंड फिफ्थ नेम सोफिया सुहेल, लड़कियों के नाम पे वैसे भी ज्यादा खुशी थे। सोफिया सुहेल 201-0317। मुबारक हो, पांच नाम जुगन ने निकाले सर, प्लीज आप आए। आओ जी आओ जी, फरहान भाई ये पांच नाम निकालेंगे, देखते हैं कि जी जो सिक्स्थ नेम है वो किस खुश नसीब का है। थैंक यू जी। राइट, दिस इज मिस्टर आमिर वसीम एंड द टोकन नंबर सीरियल नंबर इज 201-0472। कंग्रेचुलेशंस आमिर साहब। आमिर साहब मुबारक, कैश इनाम जो है वो आपके नाम और खुश नसीबों के नाम आप सुन रहे हैं। Right, ji. Here we are again. This is Ms. Sadaf Sheikh, and the serial number is 201-0955. Congratulations to Ms. Sadaf. Well done, ji. Sadaf, our winner. Cash prize. I thought you have not put the coupon back. All right, ji. Agla naam. Right, ji. This is Mr. Hassan Mumtaz, and the serial number is 201-0280. हसन मुमताज आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैश प्राइज रफी ग्रुप की तरफ से आपके नाम 8 हो गए हैं और अभी 7 बाकी हैं। 7 बाकी हैं, क्या बात है जी। आपका और हमारा 7 भी बाकी है और ये 7 है तो ये सारी रौनकें हैं, ये मेला सजा हुआ है। राइट जी, द नेक्स्ट लकी विनर फॉर 50,000 कैश प्राइज इज मिस्टर रजा अली 201-1553। कंग्रेचुलेशंस। अल्लाह की रजा से रजा साहब आपको 50,000 रुपए। यार क्या बात है, दिस संडे मस्ट बी अ फन डे फॉर एवरीवन। राइट, द नेक्स्ट लकी लॉट इज नोमानुल्लाह खान एंड द सीरियल नंबर इज 201-1596। नोमानुल्लाह खान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा बिफोर मैं बिलाल साहब को रिक्वेस्ट करूँ, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम क्योंकि बिलीव करते हैं, हमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते हैं कि यार वेदर इट इज़ हेल्थ ट्रूली, इसकी स्पिरिट ठीक रखी गई और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ इनामात दिए गए निकाले गए। तो विटनेस के तौर पे जी आज बिलाल एंड जुगन जो लिखा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं, वो मेरे अलावा ये दो विटनेस हमारे हो नहीं, इवन सीजन 1 में भी हमने विटनेस किया है। ये आप कैमरे में बहुत अगर आप ये देख सकें जी, बट ये ओरिजिनली वही नाम जो लिखे हुए हैं जो कस्टमर्स ने मोस्टली अपने हाथों से ड्रॉप बॉक्सेस में फेंके हैं या उनके बिहाफ पे। गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड, मैं आपको ये बताऊं जुगन, जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स थे, ज़्यादा क्लोज नहीं जाना क्योंकि फोन नंबर्स जी, एग्जैक्टली वी डोंट वांट टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन आउट, बट जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स थे या ऐसे क्लाइंट्स जो हमें विजिट नहीं कर सके थे बट उनका नाम लकी ड्रॉ में आना चाहिए था, हमने उनके बिहाफ पे हमने उनके कूपन्स खुद फिल करके ऐड किए
और उनमें से भी लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने खुद कूपन नहीं डाले लेकिन उनके इनाम निकले। सर ओवरसीज वालों का वोट भी आने वाला है, कूपन भी नहीं आएगा ना क्यों सर? जैसे कि अनवार हुसैन साहब का लिखा हुआ है ऑन बिहाफ, तो जिन जिन का उनके बिहाफ पे गाना हुआ है 10 names gone, 10 names, 5 more names, let's see जी, 5 नाम और हैं, 50,000 जो है विनिंग अमाउंट है। और ये पहला नाम आ रहा है जी नवीद साबिर साहब, सीरियल नंबर 2011458। नवीद साबिर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 50,000 रुपये। अगला नाम आ रहा है जी मंजूर अहमद साहब, सीरियल नंबर 2010342। मंजूर अहमद साहब आपको भी मुबारक। 3 और रह गए, अच्छा जी मेरे ख्याल से 3 और। अच्छा जी वासिक रियाज, वासिक रियाज साहब सीरियल नंबर 2010683। अब दो रह गए, दो रह गए, तो सेकंड लास्ट नेम फॉर 50,000 कैश प्राइज बाय रफी ग्रुप्स एंड द नेम इज नौरीन शब्बीर, नौरीन शब्बीर 2010263। नौरीन बहुत बहुत मुबारक, 50,000 रुपए रफी ग्रुप की तरफ आपको निकाला में। एंड द फाइनल नेम फॉर 50,000 कैश प्राइज बाय रफी ग्रुप अब तो आदत सी है मुझको आतिफ साहब, मैंने इसलिए उनका गाना मोहम्मद आतिफ चुगताई, मोहम्मद आतिफ चुगताई 11219। 50,000 की जनाब ये जो गिफ्ट है मुझे आपको बहुत बहुत मुबारक, एक्चुअली 50,000। देखें जी जब अमाउंट इतनी ज्यादा हो गई है तो साउंड भी कितना ज्यादा हो गया। अभी गाड़ी की बारी है भाई। ओ गाड़ी तो मैं भूल ही गया था। वेल जनाब अभी भी बहुत कुछ बाकी और यकीनन आपकी एक्साइटमेंट भी बाकी होगी। हमारी अब लकी ड्रॉ है फॉर आर ग्रैंड प्राइज, जिसके लिए हम अनाउंस करेंगे अपने विनर्स, अपने ऑफकोर्स गेस्ट को, हमारे जो कंपनी के शेख साहब आएंगे जनाब, Chief Commercial Officer Abdul Sami Sheikh Saab, we would like to call you on stage for announce the luckiest winner of today's event. This gadi ka announcement ho jana, so welcome on the stage. Announcement to aapne karni hai lekin hamare kuch aur bhi members hain, unko bhi hum bula lete hain stage pe, nikalenge aap. Lekin of course jab is kisam ka grand prize dete hain, maine abhi thodi der pehle aap logo ke sath kya share kiya, 7 lakh rupees से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है तो इतने में तो गाड़ी भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। सो बेसिकली अगर किसी ने 7 to 10 lakh की इन्वेस्टमेंट की है तो उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है साथ में गाड़ी भी मिल रही है, तो मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा सर ये थोड़ा सा कुछ वर्ड्स तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ना जो देख रहे हैं आप। बिफोर वी अनाउंस द बंपर प्राइज ऑफ टुडे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आई बिलीव टुडे हैज बीन एन इंस्ट्रूमेंटल डे। I would like to thank Jugan and Bilal for the wonderful show. MashaAllah se, aapko pata hai ki is waqt ye show jo hai wo pure Pakistan mein Facebook pe, Instagram pe live dekha ja raha hai aur puri duniya mein jahan jahan bhi iske linkages hain, hamare customers hain, wo isko live enjoy kar rahe hain. As a brand we always believe in transparency. Rafi Group ka ye khasa raha hai ki humne jab bhi koi project launch kiya hai, jab bhi koi initiative liya hai, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और उसके पीछे 2-3 बड़ी कोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 विजन, जिस तरह जुगन ने और बिलाल ने और फरहान और रेहान ने बताया, देखें यू नीड टू थिंक अहेड, योर विजन क्या है, आप फ्यूचर के बारे में देख सकें, फ्यूचर के बारे में सोच सकें, अगर आप उसके बारे में सोच सकते हैं तो आप एक ऐसी पोजीशनिंग लेते हैं वेदर इट्स योर फैमिली लाइफ, इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ और योर फाइनेंशियल मैटर्स, कि उसके लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स आपको मिलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि आज चेयरमैन मिस्टर इम्तियाज रफी भट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दोज विजनरीज हु हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द लैंडस्केप ऑफ रियल स्टेट डिवेलपमेंट इन पाकिस्तान। ही इज़ द फर्स्ट जेम ऑफ पर्सन हु लॉन्च द हाई राइजेज इन पाकिस्तान इन लाहौर एंड मेड इट अ ह्यूज सक्सेस। He was the first visionary who actually launched the farm housing, green acres, and then it became the trend. जहाँ तक गवादर का ताल्लुक है, मैं अपने दोस्तों और साथियों को ये कहता हूँ
कि जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना तो पाकिस्तान सिक्योर हो गया, और जब सीपैक 2015 में शुरू हुआ तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली सिक्योर हो गया। हमारे जो दोस्तों ने बात की है, आप सीपैक के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मैं सब ये चाहूँगा अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचें, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे चार्टर करें कि जो उसके डिविडेंड्स दे सके। उसके लिए की डेवलपर, अच्छा डेवलपर, अच्छा प्रोजेक्ट और फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की विजन है कि वी आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, वी आर कस्टमर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, वी फुलफिल आर कमिटमेंट्स। अभी हमारे जो प्रोजेक्ट की वीडियोज़ आपने देखी हैं, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट में, हमारा जो पहली लॉन्च थी उसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, इट वॉज ऑल सोल्ड आउट, एंड वेरी सून इंशाल्लाह विद इन द मंथ ऑफ फेब विल बी लॉन्चिंग आर ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज बल्कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं वो सब उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। सो ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इसकी लॉन्च प्लान कर रहे हैं, और हम अपना लॉन्च इवेंट भी 6 तारीख को प्लान कर रहे हैं, और अल्लाह खैर करेगा, इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस एज वेल। जहाँ तक गवादर का ताल्लुक है, तो आई बिलीव अगर आप थोड़ा सा ये देख सकें कि आज से पहले यूएई, खासतौर पर दुबई, वहाँ पर 20 साल पहले पोर्ट के बनने से पहले क्या हालात थे और आज क्या हैं, सेम गोज फॉर सिंगापुर। तो गवादर इज़ अ स्मार्ट पोर्ट सिटी, इज़ इंटरनेशनल स्मार्ट पोर्ट सिटी विच इज़ हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग इन $10 billion पर एनम यील्ड ओनली फ्रॉम द पोर्ट फ्रॉम ईयर 2025 ऑनवर्ड्स। तो सीपैक का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, और फेज टू में ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए हैं वो आबाद होंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का गवादर में बनने जा रहा है सबसे बड़ा, जब वो पूरी दुनिया से कनेक्ट करेगा अगले साल, तो दिस विल चेंज द लैंडस्केप। तो दिस इज़ द टाइम टू गेट इन टच विद रफ़ी ग्रुप, टू लुक एट दी अपॉर्चुनिटीज़, इसको कॉन्शियस डिसीजन लें, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप इन्वेस्टिगेट करें, और आप इन्वेस्टमेंट वहाँ हैच करें जो एक रिलायबल ब्रांड है। रफ़ी ग्रुप आप जानते हैं कि तकरीबन 45 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, हमारे मोर देन 125,000 सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, एंड मोर देन 10 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो आर द लेगेसी कंटिन्यूज, एंड वी बिलीव कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल ग्रो, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपनी मैनेजमेंट का, और बिलखसूस अपने कस्टमर्स का। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी लाइफ लाइन हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ हैं, उनके लिए ही हम ये सब कुछ करते हैं, और हमारी जितनी भी प्रोग्रेस है, जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी अंत तक मेहनत हम करते हैं, वो अल्लाह की मदद से हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों की नज़र में सुरखरू हो सकें। लिहाजा आपके कॉन्फिडेंस का वो दोस्त, वो कस्टमर्स जो हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या जिनसे ये रिकॉर्डेड मैसेजेस पहुँचेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट वी आर सो इंडेबिटेड टू हैव यू एज आर कस्टमर्स, वी लव यू। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दे, और डटे रहें, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर गवादर बदलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी। अच्छा, अब इनकी कोई स्पीच प्लान नहीं थी, बट क्योंकि इन्होंने हमें अंदर बैठ के ब्रीफ किया, तो बिलाल और मैंने फैसला कर लिया था कि इनको बुलाएंगे जब गाड़ी के लिए, तो कहेंगे आप उधर नहीं जाएंगे, पहले आप हमें बताएंगे। अमेजिंग, इतना हम जो इतने मोटिवेटेड आपके सामने बात करें, वो शेख साहब की वजह से कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स मेजर साहब आपकी भी उसमें एक एक जरूर हिस्सा था, पूरी आपकी टीम बहुत ही फिनोमिनल है। एंड सर ऑनेस्टली एज टू होस्ट्स वी बोथ वांटेड टू थैंक यू गाइस कि आपने हमें इस अपने इस गाला का हिस्सा बनाया, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाया, बिकॉज हमारे लिए एक तो बहुत बड़ा ऑनर है, और हमारे लिए एक नॉलेज में इंक्रीज हुआ, जिसको अब आगे हम लोगों को जाके कहेंगे, जब लोग कहते हैं ना आजकल तो कुछ मिलता ही नहीं है, मिलता है, थोड़ा सा ढूंढना पैंदा है, बट ये तो बिल्कुल सामने है। Exactly. हर जगह रफी ग्रुप का क्राउन आपको नजर आ रहा होता है। सो एट द एंड टीम विंस, सो लेट्स मेक अ टीम फॉर लाइफ टाइम फॉर आवर फ्यूचर। रफी ग्रुप के साथ उनकी टीम का हिस्सा बने और अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर करें। एंड नाउ इट्स द मोमेंट फॉर द फाइनल बिग प्राइस ऑफ द डे। और जनाब ये गाड़ी किसकी है? इफ आई कैन टेक द लिबर्टी टू कॉल ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। श्योर श्योर प्लीज।
We want to welcome all the members of Rafi Group on the stage. Sari, Farhan, Kamil, Akash, aap bhi aa jaye. Adnan, everyone, please welcome on the stage. All the managers, please come on the stage. Okay. All right. Family Gala Season 2 ki Suzuki Alto. Are you ready? Acha. Aankhe band karke. Sir, aankhe band kar. Aankhe band. Aur sir, sir. Aankhe band aur haani. All right, ladies and gentlemen, the movement. Family Gala Season 2 ki Suzuki Alto ja rahi hai. Jis kuch naseeb ka naam, wo naam hai. Suzuki Alto. Sir, अब जो final card हाथ में आएगा उसको निकाल दें. And finally, the name has been picked up by Sheikh Saab, and the name is. अच्छा name नहीं, पहले serial number. Name end में बताएंगे. पहले serial number, sir. तक मैं तो मेरा ख्याल है कि एनक भूल आया हूं मैं तो मेरा तो दिल भर जानी चलो फिर गड्डी से चलो टू चैलेंज जी 2 0 1 0 2 3 7 मिस्टर मोज असलम मिस्टर मोज असलम सुजुकी ऑल्टो फैमिली गाला सीजन 2 की यहाँ पे होते और भंगड़ा डाल रहे होते तो कितना मजा आता February 2 पे हम ये करेंगे मार्च में बाकी के इनाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग हम उस वक्त भी लाइव जाएंगे और वहाँ पे बकायदा हमारे सर आइए यहाँ पे यहाँ उस वक्त बकायदा हमारे सारे के सारी जो टीम है वहाँ पे होगी और हम सारी जो हमारे कस्टमर्स हैं हमारे पार्टनर्स हैं वो भी यहाँ पे हमारे उस वक्त हमारे साथ होंगे एंड वी विल गो लाइव ऑल्सो ताकि जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते उनके साथ हम फिर पार्टिसिपेशन क्योंकि ये जो मोमेंट है ये जो एक्साइटमेंट है ये जो फीलिंग है कैमरे के थ्रू भी फील की जा सकती है लेकिन जो लाइव यहाँ पे जो मोमेंट बनता है जो मोमेंटम बनता है यू डिजर्व इट यू रियली डिजर्व इट सो ऑल द इन्वेस्टर्स ऑल द क्लाइंट्स हमारे जितने भी बहुत प्यारे साथी हैं रफी ग्रुप के आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद जैसे कि शुरू में कहा गया था कि यू ऑल आर द विनर्स आप सब ने पार्टिसिपेट किया इन्वेस्ट किया तो आप हमारी रफी ग्रुप की टीम है एंड एट द एंड टीम विंस एंड टुडे द लकी मैन वॉज मिस्टर मुआज असलम पायन आज फोटो भी खिंचा लो खींच मेरी फोटो चले जी जी हाँ Thank you very much, Sheikh Saab. I don't know if you are going live or not, but in the end, I would request Bilal if you can sing some. Aye, sir, no. Because ये मुझे special फरमाइश आई थी वो जो दो लड़कियाँ वहाँ खड़ी हैं. नहीं नहीं अपने बीवी के लिए गाओ. बीवी के लिए भी गाओ. नहीं भी नहीं. मगर फिलहाल सिर्फ गाओ. आपकी भी फरमाइश आई है. नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली सर अच्छा मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी जी
बीवी इज पर्सनल एंड टीवी इज प्रोफेशनल. सो मैं बीवी और टीवी दोनों के लिए काम करता हूँ और दोनों की बड़ी फरमाबरदारी करता हूँ. दिस इज द रीजन ऑफ माई सक्सेस. तो सो जनाब सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है. जुगन इजाजत दो. चलो मैं शुरू करती हूँ. खान साहब इजाजत है. सुनो ना तुम ही गालो. तुमसे निगाहें चार करने लगे हम जिंदगी से प्यार करने लगे. डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे. आवाज दो हमको. ये रफी ग्रुप का पैगाम है आप सबके लिए. हमें आवाज दें. हम आपके लिए हाजिर हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस एवरीवन. पाकिस्तान जिंदाबाद.